दुनिया के धार्मिक स्थलों पर राजनीति कतई नहीं की जानी चाहिए, इसी ध्येय को लेकर राम मंदिर विवाद पर भी जल्द फैसला हो जाना चाहिए, नहीं तो अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी अगर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो इसकी जवाबदेही आना मुश्किल हो जाएगी। ये बात हमीरपुर में आरएसएस के वरिष्ठ नेता एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संस्थापक इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता के बाद कही। उन्होंने कहा कि बाबरी नाम की मस्जिद है नहीं और ना ही आज तक किसी मुस्लिम ने यहाँ जाकर नमाज अदा की है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि दुनिया के हर धर्म के प्रमुख स्थलों को विश्व में मान्यता और आदर दिया जाता है, तो हिंदुओं के धार्मिक स्थल अयोध्या पर प्रश्न चिन्ह क्यों बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मामला चाहे कानून के जरिए आए या फिर आपसी सुलह से, लेकिन जल्द ही इसका फैसला होना चाहिए। बाबरी नाम से मस्जिद बनी है जो कि है ही नहीं, तो आज तक पूरे हिंदुस्तान अयोध्या से, यूपी से, हिंदुस्तान से, दुनिया से एक भी मुसलमान घर नहीं मिला है जिसने वहां जाकर कभी नमाज अदा की हो। खुदाई में भी वहां कभी मस्जिद बनी थी इसका कोई प्रमाण नहीं है, केवल ऊपर का ढांचा तोड़कर मस्जिद की शक्ल देने की कोशिश हुई थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुई। और इसलिए अब सब ने मिलकर ये बना लिया है, जब दुनिया के सब बड़े धर्मों के बड़े स्थान और केंद्रों को इज्जत भी और इंसाफ भी है, तो फिर सनातन के हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ को इज्जत और इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनके साथ बेइंसाफी क्यों होनी चाहिए। तो अरब से भी, ईरान से भी वहाँ के बड़े मौलानों ने कहा है, भारत में और दुनिया में ये झगड़ा सदा के लिए खत्म हो जाना चाहिए, अगर ये नफरतें कायम रही तो कभी ना कभी फिर मक्का पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, करबला पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। दुनिया के नबी और अवतारों में एक नबी, 1,24,000 नबियों में जिसकी गिनती आती है, राम भी, उनके स्थान को उनको भी इंसाफ और इज्जत मिलनी चाहिए। ये सारे देश में वातावरण बन गया है और आने वाले कल में इस समस्या का सदा सदा के लिए या कोर्ट से फैसला होगा, या सुलह से फैसला होगा, या कानून से फैसला होगा, परंतु ये पक्का है ये फैसला होगा। इंद्रेश कुमार ने चीन और पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठ करने की हरकतें बंद करें, नहीं तो तुम्हारे लिए भी शुभ नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा ना दे और शैतान बनाना बंद कर दे, नहीं तो पाकिस्तान के साथ टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। चीन घुसकर कश्मीर पर कब्जा करना, थोड़े हिमाचल के चंबा के पहाड़ी क्षेत्र में आना और पाकिस्तान को खा जाने का षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए भारत सरकार ने चीन को भी सख्त ट्रीटमेंट देते हुए बता दिया है, अपनी हदों में रहो नहीं तो तुम्हारे लिए भी शुभ नहीं होगा। और इसलिए मैं पाकिस्तान को वार्निंग देता हूँ, पहली, वह भारत से नफरत के रास्ते को बंद कर दे, दूसरी, वह शैतान बनाने की फैक्ट्री, आतंकी बनाने की फैक्ट्री बंद करे, तीसरी, जितने आतंकी और शैतान हैं उन पर नकेल कसे, चौथा, पीओके को लिबरेट करे, वह हिंदुस्तान का था वापस मिलना चाहिए। अगर ये करेगा तो उसको लंबी उम्र में मिलेगी, फलेगा फूलेगा, नहीं तो वो टूट कर बिखरने की ओर बढ़ चुका है, या चीन खाएगा, चीन को भारत खाने नहीं देगा, और उसको लंबा जीना है तो उसने इन सब तरीकों से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान 7 हिस्सों में टूट कर बिखर जाएगा और उसका वजूद ही दुनिया के नक्शे पर नहीं रह पाएगा। पुलवामा की घटना के बाद आज पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है, जिस कारण पूरे देश में धारा 370 को लेकर चर्चा चली है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि पूरे देश में सब कुछ एक है तो कश्मीर के लिए अलग संविधान नहीं होना चाहिए और इसे भी भारत का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में पुलवामा की दुर्घटना के बाद एक आक्रोश और जोश भी है और इसलिए पूरे देश में बहस चल पड़ी है,
370 और 35 ए से क्या कमाया है या क्या खोया है, जब सारे हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ मुसलमान और 125 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी एक देश एक जन एक संविधान एक नागरिकता एक झंडे के साथ जी सकते और तरक्की कर सकते हैं, तो फिर कश्मीर के एक करोड़ लोगों को अलग झंडा अलग संविधान और कानून की जरूरत क्या है, जब कश्मीर के मोहम्मद दीन के लिए उमर अब्दुल्ला के लिए और सारा हिंदुस्तान खुला है, तो फिर हिंदुस्तान के रहमुद्दीन और सलामुद्दीन के लिए कश्मीर बंद क्यों? जनता में ये राय बन गई है कि ये अलगाववादी धारा ने नफरत पैदा की है, बेड़ा गर्क किया है, देश के अंदर हिंसा को जन्म दिया है, आपस में शक के कारण झगड़े बढ़े, और इस अलगाववादी और टेम्परेरी आर्टिकल्स को ख़त्म करके जैसे मिजोरम है नागालैंड है सारा हिंदुस्तान एक हिंदुस्तानी संविधान के अंतर्गत है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर की और कश्मीर कश्मीरी और कश्मीरियत का सुरक्षा कवच हिंदुस्तान हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत थी और है, इस असलियत के साथ अब जीने के लिए आना चाहिए। यह वातावरण बनता जा रहा है